दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ यूट्रिन फाइब्रॉइड के बारे में, जिसे बोलते हैं बच्चेदानी में गांठ हो जाना। ये एक तरीके की कॉमन डिजीज़ होती है। काफ़ी सारी महिलाओं में बच्चेदानी में गांठ की समस्या पाई जाती है। अब मैं इसके कुछ लक्षण बताऊंगी, इसके बाद आपको क्या नहीं खाना है वो भी बताऊंगी, और साथ साथ में 5 ऐसे योगासन बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा अगर आपको समस्या है बच्चेदानी में गांठ की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मोनिका, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। पहला लक्षण तो दोस्तों ये होता है बार बार पीरियड्स का आना और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आना बच्चेदानी में गांठ का सबसे बड़ा कारण होता है। ये समस्या अमूमन 30 से 45 वर्ष की महिलाओं में पाई जाती है। इसमें होता क्या है, बार बार आपके पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द महसूस होगा, यानी पेड़ू वाले भाग में दर्द महसूस होता है, पेट में एक भारीपन रहता है, आपके कमर वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। अगर आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है आपके बैक एरिया में, यानी कमर के दर्द में। इसके अलावा यूरिन यानी पेशाब का बार बार आना भी एक कारण होता है, और साथ साथ में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन भी एक समस्या होती है बच्चेदानी में गांठ होना। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें आपको क्या नहीं खाना है। सबसे बड़ा आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज नहीं लेनी है, आपको मीट नहीं खाना है, आपको बटर नहीं खाना है, आपको चीज़ नहीं खाना है, दूध वाली चीज़ें ना खाएं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे सकती हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर देना। चलिए अब यहीं से चलते हैं हम योगासन की तरफ। सबसे पहले हम आएंगे चक्की चालन के लिए। चक्की चालन आपको करना क्या है, मैट के बराबर दोनों पैरों के बीच में आपको गैप रखना है अच्छे से, कमर गर्दन वाला पार्ट एकदम सीधा रहना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को इस तरीके से आपस में इंटरलॉक यानी जोड़ लेंगे। अब यहीं से आपको शुरू करना है, ध्यान रखेंगे आपको पूरा जितना हो सके आगे की ओर जाना है और जितना हो सके पीछे की ओर जाना है। इस पोजीशन में होता क्या है, हमारा जो यूट्रस वाला पार्ट होता है यानी पेट के निचले वाला पार्ट होता है, इसमें बहुत अच्छा प्रेशर आता है जिसे बोलते हैं पेल्विक एरिया, उसमें एक अच्छा प्रेशर देते हुए आपकी समस्या में बहुत ही ज़्यादा आपको निजात मिलता है। चलिए अब यहीं से शुरू करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे जाना है, श्वास को लेते हुए पीछे की ओर जाना है। इस तरीके से आपको अभ्यास करना है चक्की चालन का, आपको 15 बार इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमते हुए आना है और यहीं से आपको 15 बार एंटी क्लॉक करना है, यानी दूसरी साइड से घुमाना है, उल्टे और सीधे में घुमाते हुए आपको आना है। 15 बार क्लॉकवाइज रहेगा आपका और 15 बार आपको एंटी क्लॉक करते हुए आना है इस तरीके से। तो दोस्तों ये था पहला अभ्यास चक्की चालन का, आपको 3 बार इसे रिपीट करना है, इसका ध्यान रखेंगे। 15 बार आपको क्लॉक करना है, 15 बार आपको एंटी क्लॉक यानी सीधे में करते हुए आना है, फिर आपको उल्टे में करते हुए आना है, इसी प्रोसेस को आपको 3 बार फॉलो करना है। चलिए अब आ जाते हैं हम दूसरे आसन की तरफ, जिसे बोलते हैं बटरफ्लाई। इसके लिए आपको करना क्या है, पैरों को खोल लेंगे, अब यहीं से दोनों पैरों को मोड़ लेंगे इस तरीके से, पेल्विक एरिया के पास अपने दोनों पैरों को बेंड करते हुए हाथों को इंटरलॉक करेंगे और आगे से अपने पंजों को पकड़ लेंगे। अब यहीं से आपको इस तरीके से बटरफ्लाई का अभ्यास करना है, जितना हो सके पैरों को चलाते रहें। काफ़ी बार होता है क्या है, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ अपनी थाइस को बैंड करके, ये अच्छी तरीके से प्रॉपरली नीचे तक ये प्रेशर देते हुए जा रही है, यानी ज़मीन से पूरी टच हो रही है, तो काफ़ी लोगों की ये जो पेल्विक एरिया होता है और थाइस होती है बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है, यानी टाइट होती है, तो उस कंडीशन में वो नीचे तक पूरा नहीं जा पाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे 15 से 20 दिन के अंदर आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छे से आप अपने पैरों को खोल पाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ देगा बच्चेदानी में गांठ की समस्या में, तो निजात देगा ही, और साथ साथ में काफ़ी सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं जिन्हें पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है महिलाओं को, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास रहता है, पेट की समस्याओं में बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसी तरीके से शेक करते हुए आना है आपको, धीरे से रिलैक्स। आप 1 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हुए इसी तरीके से आपको 3 बार 1-1 मिनट की होल्डिंग के साथ शेक करते हुए आना है बटरफ्लाई का अभ्यास करते हुए। चलिए अब यहीं से हम आ जाएंगे थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, इसमें आपको दोनों पैरों को खोल लेना है,
अब यहीं से करना क्या है, अपना आपका राइट हैंड लेफ्ट ऊपर टच होगा और लेफ्ट हैंड आपका राइट टो पर टच होगा। इसको आपको थोड़ा फास्ट करना है, इस तरीके से आपको करते हुए आना है। ये पेट में बहुत ही अच्छा प्रेशर देता है। आपको इस तरीके से 20 बार करना है, यानी 1, 2, 3 इसी तरीके से आपको 20 बार इसको करते हुए आना है। फिर एक जगह आपको रोक भी लेना है, यानी 20 बार होने के बाद आपको एक साइड रोकते हुए जितना हो सके आगे की ओर झुकना है। यहीं पर आपको 15 सेकंड रुकते हुए आना है, फिर साइड चेंज करते हुए दूसरी साइड जाएंगे और यहीं पर भी आपको 15 सेकंड रुकना है, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। इसे भी आपको 3 बार रिपीट करना है, यानी 20 बार करते हुए आपको फिर 15-15 सेकंड की होल्डिंग करनी है और 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। चलिए अब चौथी एक्सरसाइज के लिए आपको खड़े हो जाना है मैट पे, अपनी पैरों को अच्छे से हिला लेंगे ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छे से पैरों पर जा सके। अब यहीं पे क्या करना है, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे। कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी, पोजीशन एकदम करेक्ट होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहीं से दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस को भरते हुए स्ट्रेच करेंगे, अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करते हुए आएंगे। अब यहीं से सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर जाना है इस तरीके से। इसको बोलते हैं पादहस्तासन का अभ्यास। यहीं पर आपको रोक के रखना है। स्टार्टिंग में क्या होता है, काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है आगे की ओर झुकने में, हल्का सा घुटने बैंड हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआती टाइम पर ऐसा होता है। प्रैक्टिस करते करते आप अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहीं पर आपको रुके रहना है 15 सेकंड, फिर धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए रिलीज कर लेंगे। चलिए अब यहीं से हम आएंगे अंतिम अभ्यास की ओर, जिसे हम बोलते हैं त्रिकोण आसन का अभ्यास। इसमें अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री के एंगल में आपको इस तरीके से खोल लेना है। अब यहीं से राइट हैंड लेफ्ट टो को टच करेगा, लेफ्ट हैंड राइट टो को टच करेगा, इस तरीके से आपको ये पूरा जाना है। अच्छे से एक्सरसाइज कर लेनी है इस तरीके से, जितना हो सके आगे की ओर झुकने की कोशिश करेंगे। जिनके कमर में दर्द है वो पूरा नीचे नहीं झुकेगा, वो हल्के से इस तरीके से भी कर सकता है, इस तरीके से। अब यहीं से 20 बार करने के बाद आपको एक साइड रुकना है, दूसरा हाथ ऊपर अपनी मिडिल फिंगर पर देखना है, यानी आसमान की ओर देखते हुए 15 सेकंड होल्ड करेंगे। अब यहीं से चेंज कर लेंगे, आसमान की ओर देखते हुए होल्ड करेंगे, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। इसका अभ्यास भी आपको 3 बार करना है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरह के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोस के थ्रू आप तक इजीली पहुंचते रहे। और इसके अलावा दोस्तों अगर हेल्थ से जुड़े किसी भी तरह के क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ईजिली दे पाऊँगी। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में।